एस्ट्राजेनेका, जिसने कोविड वैक्सीन कोविशील्ड का विकास और निर्माण किया था, हाल ही में कंपनी ने कानूनी तौर पर स्वीकार किया है कि यह टीका कुछ लोगों में दुष्प्रभाव के रूप में टीटीएस का कारण बन सकता है। टीटीएस यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, एक ऐसी स्थिति जो रक्त के थक्के यानी ब्लड क्लॉटिंग मीन्स थ्रोम्बोसिस और कम प्लेटलेट काउंट का कारण बन सकती है। टीटीएस इस स्थिति के लक्षणों में सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, पैर में सूजन, गंभीर और लगातार सिरदर्द और पेट में दर्द शामिल है। जब से यह खबर सामने आई है तो सोशल मीडिया पर कोविशील्ड के बारे में पोस्टों की बाढ़ आ गई है, जो महामारी के दौरान भारत में उपलब्ध दो टीकों में से एक थी। इनमें से कुछ पोस्ट में दावा किया गया है कि अधिकांश भारतीयों को अब टीटीएस का खतरा है। इस सच का पता लगाने के लिए THIP यानी द हेल्थी इंडियन प्रोजेक्ट ने तथ्य जाँच से पता किया है कि ये दावा केवल आधा सच है, जबकि टीटीएस का जोखिम सत्य है लेकिन इसकी संभावना बहुत बहुत दुर्लभ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एस्ट्राजेनेका एक ब्रिटिश स्वीडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर COVID-19 वैक्सीन विकसित की है। इसी वैक्सीन को कोविशील्ड नाम के तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्माण के लिए लाइसेंस दिया गया था और यूरोप में यह वैक्सीन वक्सेवरिया ब्रांड के नाम से बेची जाती है। टीकाकरण के मामले में अधिकांश चिकित्सा पेशेवरों का मानना है कि टीके से मिलने वाले लाभों की तुलना में दुष्प्रभाव बहुत ही कम होते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अंततः सतर्क रहें और यदि आपको टीटीएस के किसी भी लक्षण का सामना करना पड़े तो डॉक्टर से परामर्श लें।